अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में हुनरमंद जवान प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये साल 2020 मुल्क के ऊपर जाने का साल है। नौजवानों के लिए बड़े प्रोग्राम ला रहे हैं ताकि मुल्क से अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का खात्मा हो। नाज़रीन, आगे चलते हुए देखें तो हुकूमत अब नैब ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट बिल पर भी अपोजिशन से हिमायत तलब कर रही है उसके अप्रूवल के लिए, जिसके लिए अपोजिशन की तजावीज़ को भी शामिल करने पर हुकूमत ने रजामंदी जाहिर कर दी है। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो आज इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के चेयरमैन किबला अयाज ने नैब ऑर्डिनेंस की कुछ दफात को गैर शरई और गैर कानूनी करार दे दिया, जिस पर फवाद चौधरी फेडरल मिनिस्टर ने कहा कि इस इदारे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उन्होंने उठाते हुए कहा कि आज तक मजहबी तबकात की सोच को नजरियाती काउंसिल से कोई रहनुमाई नहीं मिली। अब ऐसे इदारे पर करोड़ों खर्च करने का जवाब समझ से बालातर है। हम अपने आज के शो में मालूम करना चाहेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी नैब की दफात है जिन पर इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को एतराजात हैं और क्यों ये एतराजात उठाए जा रहे हैं। साथ साथ हम बात करेंगे कि क्या अपोजिशन हुकूमत से नैब अमेंडमेंट बिल या नैब ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट बिल में अपनी तजावीज शामिल कराने में कामयाब हो जाएगी, इसका भी हम प्रोग्राम में जो है जायजा लेंगे। और साथ साथ अगर मिडल ईस्ट पर बात कर ली जाए या यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट पर बात कर ली जाए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दी है उसके बाद रीजन में जो एक कशीदगी जारी थी उसमें कमी देखने में आ रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ईरान पर मजीद इकोनॉमिक सैंक्शन लगाते हुए ईरान को अमन का पैगाम भी दे दिया है, जिस पर इसी यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट पर हमारे वजीर आजम इमरान खान ने भी आज बड़े क्लियरली और बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान अब किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। हम आने वाले वक्तों में देखेंगे कि क्या वाकई में वजीर आजम अपने इन अल्फाज पे खड़े हुए नजर आते हैं और वाकई पाकिस्तान जो है माजी की तरह किसी दूसरे की जंग में हिस्सेदार बनता हुआ नजर आता है या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर शो, हम अपने ऑनरेबल पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अहमद अवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब राहिला खादिम हुसैन साहिबा, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। और हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नादिर गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और हमें टेलीफोन बीपर पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राणा शफीकुर रहमान साहब, काउंसिल मेंबर ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जैसा कि आपने देखा कि आज वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं वो हुनरमंद जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हैं और फॉर द फर्स्ट टाइम कहा जा रहा है कि वजीर आजम ने ना अपोजिशन पर तनकीद के तीर बरसाए और ना ही उन्होंने किसी किस्म का जो है नैब के हवाले से या किसी और हवाले से जो है अपोजिशन को के ऊपर जो है सख्त अल्फाज जो है इस्तेमाल किए। हम पहले आपको सुनवा देते हैं कि आज क्या खुशगवार गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम नजर आए। लेट्स लिसन टू हिम फर्स्ट एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन। ये जो आज का प्रोग्राम है हुनरमंद नौजवान, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम है ये उस रास्ते पे अब हम जा रहे हैं जो इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक वो कौम बनाए गए जो 1947 में एक बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, अपना निचला तबका जो सबसे ज्यादा जिनको जरूरत है, उसके बाद अब अगला जो ये 2020 में हमने अब रोजगार देना है लोगों को और रोजगार के लिए सबसे बड़ा प्रोग्राम जो हमें मुश्किल लगी है क्योंकि उसमें बड़ी रुकावटें थी वो है हमारा जो 50 लाख घर हमने बनाने हैं पाकिस्तान के अंदर अगले 4 सालों में, जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है इसको ठीक कर लें, पानी का सही इस्तेमाल कर लें, नई टेक्नोलॉजी ले आए। आप ये सोचें कि हम आराम से अपनी जो पैदावार है वो दुगनी कर सकते हैं। चाइना और हिंदुस्तान भी, लेकिन चाइना में हमारे से 3 या 4 गुना ज्यादा पैदावार वो लेते हैं अपनी जमीन से। हुनरमंद पाकिस्तान में कि हमने अपने नौजवानों को स्किल्स देने हैं, हुनर देना है ताकि मौका दें कि वो नौकरियां उनको मिलें, अपने खानदानों को उठाएं, क्योंकि
جیسا کہ آپ نے سنا وزیر اعظم جو ہیں وہ بہت اچھی اچھی باتیں جسے کہنا چاہیے وہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اور بہت امیدیں دلاتے ہوئے نظر آئے ہیں قوم کو وہ کہہ رہے ہیں اور یہ صرف آج کے خطاب میں نہیں ان کے اگر آپ پریویس خطابات دیکھ لیں تو اس میں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سال 2020 کا جو سال ہے یہ پہلے سے بہتر ہوگا اکنامک سٹیبلٹی اور اکنامک پروگرس کا سال ہوگا اب سوالات یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا واقعی میں جو کہا جا رہا ہے وہ ڈلیور بھی ہوگا اس سال اور ہم نے جیسے کہ ابھی آپ کو سنوایا بھی کہ وزیر اعظم جو ہے انہوں نے آج بھی اپنے خطاب میں ان منصوبوں کا ذکر کیا ہے کہ جس میں صحت انصاف کارڈ ہے شیلٹر ہومز ہیں 50 لاکھ گھروں کی تعمیر ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر جو پیکیجز ہیں اور جو کاروباری طبقہ ہے اس کے لیے جو آسانیاں دی جا رہی ہیں فیسلٹیشن دی جا رہی ہے اس پر باتیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اس وقت ملک میں اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہاں پر اپوزیشن سے اپنی گفتگو کی شروعات کرنا چاہیں گے راحیلہ خادم حسین صاحبہ یہ آج کا خطاب ہمارے سامنے ہے بڑی خوشگوار گفتگو ہے وزیر اعظم کی جانب سے ایک نوجوان کو ایک بہت اچھا خواب دکھایا جا رہا ہے ان امپلائمنٹ پر فوکس نظر آ رہا ہے سکلز دینے کی بات ہو رہی ہے ہمارے نوجوان کو اور جو آج کے خطاب میں ایک انتہائی پرومیننٹ چیز ہم سب نے نوٹ کی وہ یہ کہ وزیر اعظم نے اپوزیشن پر کسی قسم کا کوئی تنقیدی وار جو ہے وہ نہیں کیا تو اسے کیا ایک خوشگوار شروعات کہی جا سکتی ہے نیا سال نیا آغاز بہت شکریہ نیلم پہلی بات تو یہ کہ کوئی ایز سچ مجھے تو کوئی خوشگوار اس کے اندر تقریر کے اندر بات نظر نہیں آئی وہی دعوے ہیں وہی وعدے ہیں جو کنٹینر پہ کرتے چلے آ رہے تھے اگر آپ یہ دیکھیں تو بے ربط ایک تقریر تھی وزیر اعظم صاحب کی نوجوانوں کی سکل کی بات کرتے کرتے وہ 50 لاکھ گھروں پر آئے اور 50 لاکھ گھروں پہ زراعت پہ چلے جاتے ہیں ایگریکلچر سے چائنا پہ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد واپس بے روزگار نوجوان پہ آ جاتے ہیں ایسی بے ربط قسم کی ان کی تقاریر ہوتی ہیں جن کا فوکس کیا ہوتا ہے صرف اور صرف لوگوں کو عوام کو بیوقوف بنانا میں یہ بات کیسے کہہ رہی ہوں کہ یہ اسکل پروگرام ہے یہ تو آلریڈی پچھلی حکومتیں بھی جاری کر چکی ہیں انہوں نے بہت سارے پروگرامز ایسے دیے جس میں ہنر مند نوجوان کو بنایا گیا ٹیپٹا کے ذریعے ہنر مند بنایا گیا اور سب سے اہم بات جو پنجاب کے اندر کی گئی وہ میاں شباشی کا بہت بڑا انیشیٹو تھا وہ تھا ٹیکنیکل ایجوکیشن تمام انسٹیٹیوشنس کے اندر ان بچوں کو جہاں تعلیم دی جا رہی تھی وہاں پر ان کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بندوبست کیا گیا تھا تاکہ وہ ہنر مند بن کے وہاں سے تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ ہنر مند بن کے اس ادارے سے نکلے لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ ان کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا جو فنڈ تھا وہ ختم کر دیا اب کسی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کسی ادارے کے اندر آپ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں دی جا رہی جہاں سے اپنے بچے کو ہنر مند بھی بنانا تھا اب یہ ہنر مند پروگرام کے اگر آپ تفصیلات کے اندر چلے جائیں گے تو آپ کو پچھلی حکومتوں کی کاپی پھر نظر آئے گی جس طرح آپ پچھلے کئی دنوں سے کئی مہینوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو کوئی ایسا پروگرام لے کر کے آتا ہے وہ اسی کی کاپی کر لیتے ہیں اور اسی کو آگے پیسٹ کر دیتے ہیں عوام کو بتا دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کے لیے یہ پروگرام لے کر ہم آ رہے ہیں تو لہٰذا مجھے تو اس کے اندر کوئی ایسی نئی چیز ہمیں بتائیے کہ آپ نے نیا ایسا کیا پاکستان کے اندر روزگار پیدا کرنے کے لیے کہ آپ ہنر مند بنانے کے بعد وہ ان کو روزگار بھی مہیا ہو جائے گا تو ایسی کوئی نئی چیز تو ہمیں اس کے اندر نظر نہیں آئی لیکن آلرائٹ نادر قبول صاحب یہ اب جیسے کہ آج ہنر مند پروگرام کی بات ہو رہی ہے اس پروگرام کو 30 بلین روپیز جو ہیں وہ ایلوکیٹ کیے جائیں گے اور اس سے 5 لاکھ نوجوانوں کو جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گئی روبوٹکس ہو گئے کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہو گئی اس کے کورسز سکھائے جائیں گے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان نوجوانوں میں جو مدرسے کے طالب علم ہیں ان کو بھی انکلوڈ کیا جائے گا تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ٹیکنیکل ٹریننگ کی بات کر رہی تھیں ابھی راحیلہ خادم حسین صاحبہ اور آج کے زمانے کے حساب سے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے آبویسلی ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنس کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے لیکن یہ جو روبوٹکس ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کو اگر انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے ہمارے نوجوان کو تو کیا یہ بھی ایک بیٹر اسٹیپ نہیں اٹھایا گیا دیکھیں نیلم بات یہ ہے کہ اگر تو واقعی میں اس کے اوپر کوئی ریزلٹ ملے تو اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ہم 2020 میں رہ رہے ہیں اس وقت اور دنیا بہت آگے چلے گئی ہے مگر انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کی جو باتیں ہیں وہ صرف جھوٹے وعدے ہی ثابت ہوتے ہیں جس طرح سے انہوں نے آلریڈی وعدہ کیا ہے کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور ہمیں تو کوئی 1 کروڑ کیا 1 لاکھ نوکری بھی ہمیں نظر نہیں ہے 1 لاکھ تو بہت دور کی بات ہے ہم تو نیگیٹو میں جا رہے ہیں جتنی نوکریاں تھیں پچھلی حکومتوں میں وہ اور زیادہ لوگ مزید بے روزگار ہو گئے ہیں جتنی انہوں نے مہنگائی اور اکانومی کا جو بیڑا غرق کر دیا اس کے بعد تو بزنسز شٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں اور لوگوں کی جو چھوٹے بہت دکانیں لگی ہوئی بھی تھی یا ریڈی لیول تک بھی
लोगों का जो रोजगार था वो भी खत्म हो गया। तो अगर पुरानी बातों पे उन्होंने कोई हमें एक्टिविटी या कोई रिजल्ट नहीं दिखाया है तो किस बुनियाद पे हम इनकी आज की बातों पे यकीन कर सकते हैं। और मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात की कि इमरान खान साहब और उनकी जो पार्टी है वो एक बेसिकली मार्केटिंग गिमिक का एक कंपनी है, और इनका काम सिर्फ ये है कि मार्केट किया जाए अपने आप को, और ऑलरेडी जो चीजें एग्जिस्टिंग है जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या और पिछली हुकूमतों के जितने भी इनिशिएटिव्स थे उनको ये रीपैकेज करके आगे बेचने की कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो पहले से बदतर हो गई है। बहुत सारे प्रोग्राम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या लेकिन यहाँ पर हमने नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने आपके तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से भी जो रिव्यू किया गया और उसमें जो कैंडिडेट्स थे जो डिजर्विंग थे वो उनका उनका जो है तकरीबन 8 लाख अफराद को जो है हटाया जा रहा है बिकॉज वो डिजर्विंग कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन एनीवे यहाँ पर अहमद अवैस साहब, तो अब ये इमरान खान साहब आज हमें एग्रीकल्चरल के जी नादिर कबूल साहब मुकम्मल करिएगा। जी मैं कह रहा हूँ इनकी सिर्फ बातें ही है ना, अगर इनकी बातों पे जाए तो फिर तो पाकिस्तान दुनिया का सुपर पावर हम मान ले। आज मैं चाहूंगा एज अ पाकिस्तानी ऑफ कोर्स आई वुड वांट पाकिस्तान टू बी, उन्होंने तो लिस्ट भी इश्यूज कर दी हैं, उन्होंने तो लिस्ट भी इश्यूज कर दी हैं कि गवर्नमेंट के किस ग्रेड लेवल के लोग जो हैं अपनी वाइफ्स के नाम से जो है निकलवा रहे थे इस BISP प्रोग्राम से। एनीवे हमारा वो टॉपिक नहीं आज का। अहमद अवैस साहब, अब ये वजीरे आजम साहब ने आज जैसा कि अभी राहिला खादिम हुसैन साहिबा ने भी कहा कि एग्रीकल्चरल के सिस्टम को भी ठीक करने की उन्होंने बात की, इरिगेशन सिस्टम को भी ठीक करने की बात की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन जो है वो मिनरल्स मौजूद हैं, सोने और तांबे की काने मौजूद हैं, और अगर सिर्फ दो कानों में जो है काम कर लिया जाए तो उनसे इतना नफा मिल सकता है कि कर्जा उतार दिया जाए। तो अब ये इस किस्म इसको हम क्या स्वीपिंग स्टेटमेंट्स के जुमरे में लेकर आ सकते हैं कि एक डेफिनेट जो है आपके पास फिगर्स हैं ना नंबर्स हैं, तो फिर इस किस्म की स्वीपिंग स्टेटमेंट से थोड़ा सा इज्तनाब नहीं करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि अभी जिस तरह से हमारी बहन रहीला ने बात की है और फिर उसके बाद ये बात आगे चली है, तो एक रवैये में तब्दीली जिसकी आपने निशानदही की कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के आज की तकरीर में किसी ऑपोजिशन के मतलब उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है, कोई उसके ऊपर तनकीद नहीं की है, कोई जायज़ व नाजायज़ ऐसी बात नहीं की, और पॉजिटिवली अपनी पॉलिसीज़ के मतलब और आवाम की सहूलियात को आइंदा के लिए कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाएँ कि जिससे उनको वो मुस्तफ़ीद हो सकें, ये बात की है। लेकिन ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन अभी वहाँ की वहीं खड़ी है और वही अंदाज से बाहर नहीं निकल सके हैं, और वो उनका जो है एक वो एक क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म का जो एटीट्यूड है उससे बाहर नहीं आ सके। बात यह है कि देखिए वन हैज़ टू गो फॉरवर्ड, और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी यही जो है आज की तकरीर से भी ये लगता है कि अगर ठीक है उन्होंने निशानदही की है कि चाइना में ऐसा हो रहा है, हमें ऐसा करना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर जो है इतनी परसेंटेज में, और मुख्तलिफ ये बातें जो की हैं ये वो निशानदही की हैं इन बातों में कि जहाँ पर पाकिस्तान अगर तवज्जो दी जाए, अगर एफर्ट्स की जाएँ तो हम यहाँ पर इन इन डिपार्टमेंट के अंदर वी कैन मेक मार्क, हम बहुत तेज़ी से आगे निकल सकते हैं। और इसी तरह साथ साथ उस एहसास का भी उन्होंने ज़िक्र किया है कि जो एक जो बहुत बिलो कैटेगरी के जो मुलाज़मीन हैं या जिनकी इनकम बहुत कम है उनके लिए जो हाउसिंग का जो स्कीम है उसकी तरफ जो है वो तवज्जो दिलवाई गई है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी इम्पोर्टेंस का ज़िक्र किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक जहन के अंदर, प्राइम मिनिस्टर के जहन के अंदर जो है एहसास जो है वो आवाम की खिदमत का है, उनके जहन के अंदर इन बातों से ये कहीं मुतरशे नहीं कि उनके जहन में कोई ऐसा एहसास हो कि वो पावर को एंजॉय करने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने। ऑब्वियसली
हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो पॉजिटिव कदम उठाए जा रहे हैं वो भी अपने शो में इंक्लूड करें, इससे पहले कि हम आगे इश्यूज पर बढ़े। हम आज जो एक और हमारे सामने डेवलपमेंट होती है उसमें नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है उस पर इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल की जानिब से उसकी बास दफात पर जो है उनको गैर शरई करार दे दिया गया है और उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं। एग्जैक्टली क्या कहा गया है चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जानिब से, हम आपको सुनवा देते हैं। लेट्स लिसन टू दैट फर्स्ट, देन वी विल get back to our discussion here. NAB ke kuch dafaat jo hain, NAB ordinance ke kuch dafaat jo hain, ye wazeh taur par gair shari aur gair islami hain aur islam ke sath mutasadim hain. Ye jo dafaat islam ke sath mutasadim hain aur aain ke sath mutasadim hain wo hai dafa 14d, dafa 15a aur dafa 26, क्योंकि इनके मुताबिक बेगुनाही साबित करना मुलज़िम की ज़िम्मेदारी है। इस्लाम में ये मुलज़िम की ज़िम्मेदारी नहीं है बल्कि इल्ज़ाम लगाने वाले की ज़िम्मेदारी। जी, हम ये इस टॉपिक की शुरुआत रारा शफीकुर रहमान साहब आपकी जानिब से करेंगे। अभी हमने आपको सुनवा दिया कि क्या एग्जैक्ट किबला अयास साहब की जानिब से कहा गया है। उनके मुताबिक जो नैब ऑर्डिनेंस की दफात 14D है, 15A है और 26 है, उन इन दफात को वो गैर इस्लामी करार दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुलजिम को हथकड़ी लगाना, बेगुनाह को मुलजिम साबित करना, मीडिया पर तशहीर, वादा माफ गवाह बनाना और प्ली बार्गेन करना, ये सब उन्होंने गैर इस्लामी करार दे दिया है। इन रिजर्वेशंस को किस तरह से देखा जाएगा? शुक्रिया नीलम, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये दरहकीकत इस्लामी नजरियाती काउंसिल का जो इजलास हुआ था 215वां 3-4 अप्रैल 2019 को, उसमें एक कमेटी बनी थी कि नैब कवानीन जो है उनको देखा जाए कि वो सारे के सारे इस्लाम के मुताबिक हैं या इस्लाम के खिलाफ। और ये इसलिए कि खुद इस्लामी नजरियाती काउंसिल जो है वो एक आईनी इदारा है और आईन की दफा 227, दफा नंबर 228, 229, 230, 231 ये तमाम दफात जो है वो उनकी वजह से इस्लामी नजरियाती काउंसिल बनाई गई है और हुकूमत की तर्जमानी करती है और वजारत कानून के साथ अटैच है और इसकी सिफारशात पर कई महकमे जो है वो मार्ज वजूद में आ चुके हैं। खुद मजहबी अमूर की जो वजारत है वो भी इसी की सिफारिश की वजह से आई थी। बहरहाल ये एक तफसील तलब बात है। तो इसके दफा 227 जो है पाकिस्तान के आइन की, उसके मुताबिक पाकिस्तान के कवानीन जो है वो किताब सुन्नत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अब दफा जो है नैब आर्डिनेंस की दफा 14D जिसका हवाला चेयरमैन साहब ने दिया है, उसमें यह है कि मुल्ज़िम और मुजरम में कोई फर्क नहीं रखा गया। यानी ये कहा गया है कि हालांकि शरीयत के अंदर ये होता है कि इल्जाम लगाने वाला जो है वो सबूत फराहम करेगा, और नैब के इस दफा के अंदर ये है कि जो पकड़ा जाएगा वो किसी ने कह दिया कि ये मुजरम है तो उसको पकड़ लिया। और फिर ये है कि मुलजिम होना और चीज है, मुजरिम होना और चीज है। मुलजिम के ऊपर तो इल्जाम तो किसी पर भी कोई लगा देता है, लेकिन जुर्म साबित करना, और इसकी वजह से जो कुछ होता है यही वजह है कि पाकिस्तान की तमाम जमातें और पार्टियां जो हैं वो ये इजहार कर चुकी हैं कि नैब आर्डिनेंस और कवानीन के अंदर इसलाह होनी चाहिए। और यही वजह है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने भी एक नैब आर्डिनेंस पेश किया है। इसका मतलब कि इसलाह तलब था। और इससे भी बढ़कर ये है कि सैनेट के अंदर जो कायमा कमेटी है वजारत कानून की, उसने नैब आर्डिनेंस के हवाले से एक बिल जो है मुत्तफिका तौर पर पास करके हाउस में डाला हुआ है। यानी वो भी इसलाह तलब होने की इजहार करते। इसी तरह जनाब चेयरमैन से जो है ना 15A वो झूल हो गई है, दफा 25A है जिसमें ये है कि कोई भी मुल्ज़िम जो मुल्की खजाने के अंदर या मुख्तलिफ माली अमूर के अंदर बाद्यांती का मरतकब हुआ है, अगर वो चेयरमैन नैब की इजाजत से थोड़ी सी रकम दे देता है या तयशुदा रकम जो है वो दे देता है तो उसके जो है छोड़ दिया जाता है, किसी कानून का सामना उसको नहीं करना पड़ता। जबकि जो बातनवानी हम ये रिस्पॉन्स लेंगे आपके इन रिजर्वेशंस का। ऑलराइट, राणा शफीकुर रहमान साहब, आपकी इन रिजर्वेशंस का हम रिस्पॉन्स लेंगे। अहमद अवैस साहब, आपसे, आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं, इस पर आप लीगल ओपिनियन भी दीजिएगा कि अब ये जो हमारे सामने रिजर्वेशन रख दी गई हैं आईआईसी के की जानिब से कि जो बेगुनाही है वो साबित करना मुलजिम की जिम्मेदारी नहीं होगी, वो कह रहे हैं कि मुलजिम को बगैर मुकदमे कैद में रखना भी गैर इस्लामी है, हथकड़ी लगाना भी गैर इस्लामी है, तो ये अब इन तजावीज पर हुकूमत क्या गौर करेगी, इनको क्या आप तरमीम में लाएंगे, और फिर इन द लीगल एस्पेक्ट से आप इन रिजर्वेशंस को किस तरह से लाइन अप करेंगे?
میرا خیال میں جو ممبر مولانا ابھی آپ ان کی جو گفتگو سنی ہے، میرے خیال میں جس جہالت کا مظاہرہ کیا ہے نا، اس کے بعد تو اسلامی نظریاتی کونسل کو ڈیزالو کر دینا چاہیے۔ دیکھیے، فائنانشیل کرائم جہاں ہوتے ہیں ساری دنیا میں، جہاں پہ کسی کو اوپر اس کی استطاعت سے ذات دولت ایکومولیشن کا یا اس کا مظاہرہ کیا جائے، تو وہاں پہ یہ نہیں ہے، یہ جس طرح انہوں نے یہ کہا ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ بات جو ہے اس کو اوپر ڈال دی جائے گی۔ میں صرف ایک واقعے کے بعد آپ سے اس کا آگے وضاحت کر دوں گا کہ حضرت عمر کا واقعہ جو ہے، مستند واقعہ جو اسلامی تاریخ میں بھی اور تمام جگہوں پہ دنیا میں دوسرے ممالک نے بھی بہت جگہ کوٹ کیا ہے اس واقعہ کو، کہ اسلامک سوشل جسٹس کے نظام کا اور رول آف لا کے نظام کا، کہ ایک خلیفہ وقت کے اوپر سے ایک عام آدمی نے پوچھ لیا کھڑے ہو کر کہ بھائی، آپ کو مال غلیمت سے اتنی بڑی چادر تو نہیں ملی تھی کہ آپ نے وہ اپنا جو ہے پورا لباس بنا لیا ہے، اس سے تو پورا ایک جسم ڈھانپا نہیں جا سکتا تھا، تو اس کی انہوں نے ایکسپلینیشن دی تھی۔ اب اندازہ لگائیے، جب ایک ملزم جو ہے وہ ایکسپلینیشن دے گا، تو یہی نظام ہے یہاں پر، یہ تو این اسلامک ہے۔ ایک آسپیکٹ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں، یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن، نیب کا جو قانون ہے، پروسیکیوشن پہلے بلٹ اپ کرے گی اور وہ الزامات جو ہے وہ اس کے اوپر جو لگانے ہیں وہ ود پروف عدالت کے پاس لے کر جائے گی، پھر اونر شفٹ کرے گا۔ اگر وہ الزامات جو ہیں پریمی فیشائی جو اس نے وہ الزامات کے ساتھ جو ثبوت اکٹھے کیے ہیں اور ان کو بنیاد بنایا ہے وہ الزامات کا، اگر وہ الزامات کو عدالت کو سیٹسفائی نہیں کر سکی، تو عدالت جو ہے وہ ملزم سے کچھ بھی نہیں پوچھے گی، اور پھر وہ اونس جو ہے اس وقت شفٹ کر جائے گا جس وقت وہ عدالت سیٹسفائی ہوگی کہ ہاں یہ الزامات جو ہیں ان کے اندر کوئی صداقت اور یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ ہاں پوچھا جائے کہ یہ کیسے ہوا، تو پھر یہ اونس شفٹ کرے گا، اونس جو ہے وہ ملزم کے اوپر، کہ وہ ایکسپلین کرے گا اس کو کہ اس کی کیا صورتحال ہے اور یہ کہاں سے اس نے حاصل تھی اور کیا محرکات تھے۔ یہ جو ریزرویشن شو کی گئی ہیں اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کی جانب سے نیب آرڈیننس امینڈمنٹ بل پر، یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ دوسرا، جیسا کہ ابھی احمد اویس صاحب کا بھی ویو آپ نے سنا، اور دوسرے جو اور حکومتی وزراء ہیں جن میں سے فواد چودھری ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس اسلامی نظریاتی کاؤنسل پر اعتراضات لگاتے ہوئے کہا ہے کہ آج تک مذہبی طبقات کی سوچ کو نظریاتی کاؤنسل سے کوئی رہنمائی نہیں ملی ہے، ایسے ادارے پر کروڑوں ضائع کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے قبلہ ایاز نے کہا کہ اگر ان کے پاس ہماری سفارشات پر کوئی شرعی دلیل ہے تو ہم اس پر غور کرنے کو تیار ہیں۔ تو اب یہ بتائیے گا کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ حضرت حلال کمیٹی کے بعد اب یہ اسلامک نظریاتی کاؤنسل پر جو ہے اعتراض سامنے ہے، تو ان اداروں کی واقعی میں جو ورکنگ ہے یا جو ان کی ایک ان کا ایسنس ہے، کیا وہ اتنا ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے جتنا کہ ان پہ انویسٹ ہو رہا ہے؟ جیسے نیلم، میں اس جو بات ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بات کرنا چاہوں گی۔ ایک جو بات کی ہے نیب سے متعلقہ، اس کے اندر کیا امینڈمنٹس ہونی چاہیے، انہیں غیر شرعی قرار دیا، وہ ہے اسلامک آئیڈیالوجی کی بات۔ دیکھیں، ان کے پاس کانسٹیٹیوشن امبریلا ہے جس کے انڈر وہ کام کر رہے ہیں، یا تو آپ اس کو ہٹا دیں، ان کو فارغ کر دیں، بات ختم یہی ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اب دیکھیں ہماری جو سوسائٹی کا رویہ بن گیا، اس کے اوپر اب تمام معاملات کھڑے تھے۔ اگر آپ ریسنٹلی ابھی دیکھیں تو پی ایم ایل این کو جس طرح سے نیب کے اندر آپ نے وداؤٹ آپ کے ایویڈنس کے، جو ہاں آپ ایک گواہ ثابت نہیں کر سکے، آپ کوئی ثبوت نہیں لا سکے، آپ نے وہاں پر کتنے مہینوں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو آپ نے قید کے اندر رکھا، جیلوں میں بند رکھا، اور آخر میں آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں تھا کہ جو آپ بتا سکتے عدالت کو، جبکہ عدالتیں خود آپ سے پوچھتی رہیں کہ بھائی آپ نے اتنی دیر ملزم کو قید کے اندر رکھا، اور پھر آپ کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔
अब दूसरी तरफ आप देखें कि हथकड़ी लगे उस आदमी की कभी याद रखें, वो तस्वीर याद रखें, वो जिसमें उसका हार्ट अटैक हुआ और वो उस हथकड़ी में ही मर गया। अब आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि आप सोसाइटी के अंदर रह के इल्ज़ामात लगाना हमारी सोसाइटी का रिवाज बन गया, और माशाल्लाह क्रेडिट भी जाता है पीटीआई को, इन्हें क्रेडिट इन्हीं को जाना चाहिए, ये इनका सेहरा इन्हीं के सर बनता है ये वाला, कि जनाब आपने इल्ज़ामात की सियासत को इस हद तक ले गए कि आज अब जब रियासत मदीना की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पास देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने जितने भी केसेस बनाए वो इल्ज़ामात की बुनियाद पर बनाए। अब दूसरी तरफ आप आ जाएंगे, फवाद चौधरी साहब ने जो है आइडियोलॉजी काउंसिल के ऊपर बात की, तो जनाब ये आइडियोलॉजी काउंसिल के ऊपर आज आपको बात याद आ रही है, जब आपने केपी में वुमेन प्रोटेक्शन का बिल उनके सुपुर्द किया, तो क्या खवातीन के मामले में आपके क्या इश्यूज थे जो आपने आइडियोलॉजी काउंसिल को वहां पर वो बिल भेज दिया जो आज तक पास होकर बाहर नहीं आ सका? आप क्या बातें करते हैं दो के जहां यहां आपका इंटरेस्ट था, यानी कि आप नैब के कानून में अमेंडमेंट अपनी मर्जी की करना चाहते हैं तो वहां आपके लिए सब ठीक है, जहां दूसरी तरफ आप खवातीन के हकूक की बात है तो वहां आप आइडियोलॉजी काउंसिल को अपना सारा केस पुट अप कर देते हैं, उनसे आप लीगल राय मांग लेते हैं। तो हमें ये दो जो नजर आते हैं ये मुझे समझ नहीं आती क्या कहना चाहते हैं। ठीक नादिर कबूल साहब, हमने देखा कि पहले रुयत हलाल कमेटी पर एतराज़ उठा, अब ये इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल पर जो एतराज़ सामने आ रहा है, तो जाहिर बात है हुकूमत का ही काम होता है इदारों की बेहतरी करना या उनमें जो है इम्प्रूवमेंट लाना, तो आखिर अगर इन इदारों को किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या अपडेट की ज़रूरत है तो ये फिर फेडरल कैबिनेट में सजेशन क्यों नहीं पेश की जाती हुकूमती वज़रा की जानिब से यहाँ पर, या मीडिया टॉक में या मीडिया स्टेटमेंट्स में जो है तनकीद करना, तो फेडरल कैबिनेट में क्यों नहीं जो है डायरेक्टली सजेशंस भेजी जाती? जी आपने बिल्कुल सही फरमाया, तरीक़ेकार तो यही होनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट समझती है कि किसी इदारे के अंदर रिफॉर्म्स आने हैं तो उसका एक प्रॉपर तरीक़ेकार है कैबिनेट के अंदर डिस्कस होके इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो चाहिए, ना कि फवाद चौधरी जैसे वज़रा इस पे कंट्रोवर्सी फैलाए। कंट्रोवर्सी में तो माहिर है ये, टीवी पे आके कुछ भी बोल जाते हैं, उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं और फिर उस पे एक्चुअली आवाम ज्यादा गुमराह होती है। अभी फवाद चौधरी से दूर की बात है, हमारे शो में ये भाई बैठे हैं, लीगल एक्सपर्ट है बिल्कुल होंगे अगर आप कह रही हैं तो। ये मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, इतना पीछे जा रहे हैं हजरत उमर के, अब मैं तो उधर हाजिर नहीं था बिल्कुल, हजरत उमर हमारे सर आंखों पे बहुत एहतराम है हर मुसलमान के लिए, हजरत उमर के लिए, मगर बात सिर्फ ये है कि मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि एक टर्म है आज की दुनिया में जो मशहूर है, दैट एवरीबॉडी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इस पे ये मुझे बता दें कि कहाँ पे दुनिया में कहाँ होता है कि आप किसी को भी इल्जाम लगा दें और जाके घसीट के उसको ले जाए, उठा के जेल में इसको बंद रखें, बीमार हो जाए वो, मुश्किलात में हो जाए, अपनी फैमिली से दूर हो जाए, मेडिकल फैसिलिटी से महरूम किया जाए, उसको बेइज्जत किया जाए, दुनिया में मीडिया के सामने बेइज्जत करें उसको, मीडिया ट्रायल उसका, वो ऐसा कहीं भी नहीं होता है। अमेरिका में और जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं एवरीवेयर द प्रॉपर प्रोसीजर इज दैट यू बिल्ड द केस, यू पुट द केस अप इन फ्रंट ऑफ द जज, एंड ओनली व्हेन यू आर प्रूवन गिल्टी तो दुनिया को हक मिलेगा या किसी को हक मिलेगा कि आपको एक कल्प्रिट करार दिया जाए या फेलन करार दिया जाए, ना कि पहले ही उसके आप इज्जत कीचड़ में। ऑलराइट, हम यहां पर ब्रेक ले लें। ठीक, हम एक क्विक लेंगे ब्रेक, से वापस आकर डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और ये भी मालूम करने की कोशिश करेंगे कि क्या ऑपोजिशन और हुकूमत में आपस में किसी किस्म का एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो आगे जाकर बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 9 ऑर्डिनेंसेस पर डेडलॉक खत्म होने जा रहा है। स्टे विद अस, वी बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि क्या ऑपोजिशन और हुकूमत में किसी किस्म का कोई वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो प्रैक्टिकली हम बिल्डअप होता हुआ देखेंगे, क्योंकि खबरों के मुताबिक जो 9 ऑर्डिनेंसेज हैं उन पर हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान डेडलॉक खत्म होने की खबरें जो हैं वो अब तक सामने आ रही हैं। 9 ऑर्डिनेंसेज जो हैं वो पार्लियामेंट से मंजूर कराए जाएंगे और जो 2 ऑर्डिनेंसेज हैं वो कमेटी को भेजे जाएंगे, तो ये सब कुछ देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि नैब ऑर्डिनेंस भी पार्लियामेंट में मेजोरिटी से मंजूर होता हुआ मुस्तकबिल में हमें नजर आएगा? ये एक सवाल जो है ये उठाया जा रहा है। साथ साथ शेख रशीद भी कह रहे हैं कि नैब ऑर्डिनेंस में भी ऑपोजिशन हुकूमत का साथ देगी, और ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत ऑपोजिशन की तजावीज को शामिल करने में भी राजी हो चुकी है। सवाल अब यहां पर ये है कि क्या अब हुकूमत अपने एहतसाब के नारे से
पीछे हटती नजर आ रही है। ऑपोजिशन को रिलीफ देने के पीछे क्या वजह हो सकती है या क्या वाकई में ऑपोजिशन को रिलीफ मिलता हुआ हुकूमत के साथ साथ दोनों को ही एक तरह से रिलीफ मिलेगा इस नैब अमेंडमेंट बिल के थ्रू, हम इसको अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। अहमद अवैस साहब, ब्रेक पर जाने से पहले यहाँ पर जो एस्पेक्ट्स रेस किए गए थे ऑपोजिशन की जानिब से, अगर आप उनको रिस्पॉन्ड कर दें, जो कि IIC की जानिब से जो नैब दफात हैं उन पर जो रिजर्वेशन उठाई गई हैं उनको आप एड्रेस कर दें, तो फिर हम आगे की जानिब बात करेंगे। सवाल नहीं समझा, जरा बताइए। अहमद अवैस साहब, ब्रेक पर जाने से पहले यहाँ पर ये भी एस्पेक्ट रखा गया था ऑपोजिशन की जानिब से कि हम इस वक्त जो एतराजात उठते हुए देख रहे हैं नैब की दफात पर, जो कि इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने एड्रेस किए हैं, तो उनमें आप हमारे सामने जो ऑपोजिशन के वज़रा इस वक्त गिरफ्तार हैं उन पर रेफरेंसेस दायर नहीं होते, उनको पहले से आप लोग नैब की जानिब से अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर महीनों वो जो है नैब के अरेस्ट में रहते हैं, तो क्या ये सब कुछ देखते हुए जो रिजर्वेशन शो की गई हैं IIC की जानिब से वो वैलिड नजर आ सकती है, वैलिड समझी जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बात यह है कि इसके अंदर इस्लाम का कोई अमल दखल नहीं है। देखिए, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो इस्लामिक सोसाइटी के अंदर भी और किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में किसी इंसान की तजलील जो है वो उसको हमेशा जो है लुक डाउन करना चाहिए, बुरी नज़र से ही देखना चाहिए। और मैं तो ख़ुद बहुत सारे मौक़ों के ऊपर जब यहाँ पे चीफ जस्टिस वाइस चांसलर एक्स वाइस चांसलर का उनको हाथकड़ियाँ लगा के उनका लेके फिराया गया था और वो सारे फुटेज उसकी दिखाई गई थी, तो मैंने तो एज एडवोकेट जनरल भी खड़े होकर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुखालफत उसकी की थी और उनको कहा था कि इनको बुलाया जाए और उनका पूछा जाए इनसे, क्योंकि ये तसलील है कि एक आदमी के ऊपर इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम गलत भी हो सकता है, और उससे पहले जो उसकी आप हथकड़ियाँ लगा के उसको आपने सारी दुनिया में घुमा दिया तो ये उसकी तसलील है। इससे इस्लामी नज़रियात जो नज़रियाती काउंसिल है उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये बातें वहाँ पे नहीं है। ये किसी भी माशरे के अंदर इस्लामी माशरा है, गैर इस्लामी माशरा है, इस्लामिक काउंसिल की जानिब से कि बारगेन करना, वादा माफ गवाह बनना, ये शरीयत की रूह के मुनाफी है, तो फिर ये बारगेन करना, वादा माफ गवाह बनना, ये देखिए ये मुनाफी, ये देखिए बात यह है कि ये वो चीज़ें हैं सोसाइटी में, आप देखिए सोसाइटी जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये एवर चेंजिंग है। सिविलाइजेशन के एडवांसमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी और इलम के एडवांसमेंट के साथ साथ सोसाइटी के अंदर तब्दीलियां आती रहती हैं और उन तब्दीलियों के साथ कानून भी बदलता रहेगा, उसकी रिक्वायरमेंट बदलती रहती हैं। और इसलिए इस आप देखिए कुरान शरीफ में बाज़ ऐसी चीज़ें उन्होंने दे दी हैं जिनमें रहती दुनिया तक तब्दीली नहीं लाई जाएगी। मसलन सूद है, कैसे होगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। सूअर का गोश्त हराम है, वो हमेशा हराम ही रहेगा। इसी तरह से और जो बाकी और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन जहाँ पे इसी तरह जो वो फैमिली लॉज के मुतल्लिक जो है और इनहेरिटेंस के कानून के ऊपर जो कुरान शरीफ में ख़ुद लिख दिया है, उसके बाद जहाँ पे शरिया की बात आ जाती है तो शरिया तो देखें हनफी जो है, शाफी जो हैं और बाकी दो और जो सुन्नी स्कूल ऑफ थाट हैं, चार स्कूल ऑफ थाट हैं, फिर अहले तशी का स्कूल ऑफ थाट है, इनमें अपनी जगह के अंदर तब्दीलियां मौजूद हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो अनइस्लामिक है। राणा शफीकुर रहमान साहब से, राणा शफीकुर रहमान साहब, आपकी इस इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल की जो नैब दफात पर रिजर्वेशंस है, जो तनकीद है, उसके टाइमिंग्स पर भी जो है सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को इस वक्त ही क्यों ख्याल आया नैब ऑर्डिनेंस की दफात पर जो है रिजर्वेशन रेस करने का, जबकि हुकूमत की जानिब से एक अमेंडमेंट बिल जो है वो पास होने जा रहा है, इस वक्त IIC जो है वो क्यों देख रहा है इस हवाले से? मैंने जो अपनी पहली गुफ्तगू की थी उसमें ये बताया था कि इजलास जो था 3-4 अप्रैल 2019 का, उसमें कमेटी बनी थी, उसने रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के बाद अभी हमने इसको मुकम्मल इसलिए नहीं किया कि नैब ऑर्डिनेंस नया आ गया है हुकूमत की तरफ से और सेनेट के अंदर जो पड़ा हुआ बिल है उसको साथ शामिल करके फिर किया जाए। पहली बात तो ये है, आप जानते हैं कि इजलासों की कार्रवाई जो है उसकी रिपोर्ट किस तरह पेश की जाती है। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, अहमद अवैस साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम रहे हैं, लेकिन आज मुझे दुख हुआ है कि इन्होंने जो मुतासिबाना अल्फाज किए हैं जहालत के हवाले से, यही तो बात जो इन्होंने की है, मैं उसको सेकंड करता हूँ। सबूत तो हो, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने जो कुर्ता पहना था
उसको देख के सवाल पैदा हुआ था कि बन नहीं सकता था, बना किस तरह। लेकिन यहाँ जो है किसी के ऊपर सिर्फ इल्जाम की वजह से उसको पकड़ के ना सिर्फ जेल में फेंक दिया जाता है बल्कि उसका पूरा खानदान जो है उसको सुबकी का निशाना बनाया जाता है, बेवकत किया जाता है, ऐसे ऐसे इल्जामात और इल्खाबात लगाए जाते हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद का हाई कोर्ट जो है नैब के कई केसों के ऊपर ये सवाल उठा चुका है। ये ना खिलाफ शरह, ना ये खिलाफ कानून है, ना ये खिलाफ इंसानी, बल्कि ऐन असूलों अखलाकी असूलों के ऐन मुताबिक है कि जिस पे इल्जाम है अगर उसके बारे में कोई प्रूफ है तो आप उसको करें। मुलजिम और मुजरिम के अंतर जो फर्क है वो अहमद अवैस साहब से बढ़कर कौन जान सकता है। नहीं, मैं फर्क आप ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूं आपके साथ, ये बात जो है दुरुस्त है। दूसरी बात ये कि जहां तक फवाद चौधरी साहब का मामला है, फवाद चौधरी साहब ने खुद जो कैलेंडर बनाया था वो इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेजा। अभी गुज़श्ता रोज 8 तारीख को वफाकी पार्लिमानी जो वजीर मुमलकत है वो तशरीफ लाए थे, अली मोहम्मद खान साहब, वो बड़ी तहसीन करके गए हैं। और हमारा ताल्लुक जो है, अटैचमेंट जो है इस्लामी नजरियाती काउंसिल की, वो वजारत कानून के साथ है। अगर इस चीज पर कोई इतराज है इल्मी तौर पर, हम अहमद अवैस साहब को भी दावत देते हैं वो बैठ के हमें बताएं कि ये चीजें आपने गलत लिखी हैं। वजारत कानून की तरफ से हमारा काम है सिर्फ सिफारिश करना, अगर वजारत कानून कहेगी ये गलत है तो ठीक है, लेकिन हम तो एक जो बात कर रहे हैं, एक बात ये right. दूसरा जो कौमी खजाने का मुजरिम है, जिसने कौमी खजाना लूटा है, अगर वो 1 करोड़ में से 10 लाख दे के अपनी जान बचा लेता है तो क्या ये इस्लामी असूलों के मुताबिक है? हम कहते हैं उससे पूरा 1 करोड़ लेना चाहिए। इसी तरह एक आदमी इतराफ करता है जुर्म का, इकबाली बयान देता है और उसको गवाह बना के जो खुद इतराफ कर रहा है कि मैंने ये जुर्म किया है, उसके इतराफ की बुनियाद पर उसको तो छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके इतराफ की बुनियाद पर किसी और को कहा जाए क्योंकि इसने बयान दिया इसलिए तो मुजरिम है। ये चीज जो है ये भी महल नजर है। ये हमने 4 पॉइंट जो उठाए हैं। ठीक, राणा साहब आपका पर्सपेक्टिव आ गया। राहिला खादिम हुसैन साहिबा, आपने यहाँ पर दोनों जानिब की हुकूमत और जो IIC है उनकी जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो सुने। अब अपोजिशन कहाँ खड़ी नजर आ रही है नैब ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट बिल को लेकर? क्या आप हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड होंगे उसी तरह से जिस तरह से हमने देखा कि आर्मी एक्ट 2020 में जो है एक यूनाइटेड अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी नजर आई, और IIC की रिजर्वेशन को अपोजिशन कहाँ तक कंसिडरेशन में लेगी? देखिए नीलम, अगर पहले दिन में मियां शबाशी साहब की अगर वो स्पीच उठा लें जहाँ पर उन्होंने एज ए अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली के अंदर उन्होंने बात की थी, तो हमने उस वक्त भी कहा था कि आए मिल बैठे हैं, मिसाक मुईशत भी करते हैं, इसी तरह कानून साजी में भी हम सब इकट्ठे बैठते हैं ताकि पाकिस्तान के मफाद में अब आगे बढ़ा जाए, जो हो गया उसको पीछे। लेकिन मेरा ख्याल है इस हकूमत को समझने में 1.5 साल का अरसा ज़रूर लगा, लेकिन अगर अब भी उनको समझ आ गई हो तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप समझ जाएँ कि कानून साजी करना एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है, और जब तक आप तमाम लोगों को, तमाम जमातों को मुत्तफिका तौर पर उसमें साथ लेकर ना चले तो मैं नहीं समझती कि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। कानून साजी इसीलिए होती है कि आप उसमें अमेंडमेंट्स ला सकें, कोई आसमानी सहीफा नहीं है, ये एक आपके खुद के बनाए हुए कवानीन हैं जो आप अपने माशरे में, अपने मुल्क को, अपने लोगों को बेहतर सहूलतें बनाने देने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक रखने के लिए आप बनाते हैं। तो लिहाजा इस हकूमत को ये समझना पड़ेगा, हम तो एज ए अपोजिशन मेंबर ये समझते हैं कि हकूमत अगर हमें इन तमाम चीज़ों पे ऑन बोर्ड ले तो हम बेहतर तौर पे, क्योंकि हम इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, और इनकी जो नालायकी है वो तो अभी सबने आम देखी कि उसे सुप्रीम कोर्ट तक केस जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर पार्लियामेंट के अंदर हैं, तो यानी कि जो प्रोसेस पहले होता रहा उसको भी नहीं देखा जाता। कहाँ खड़ी नजर आएगी नैब ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट बिल को लेकर? हमने देखा आर्मी एक्ट 2020 में आप लोगों की जानिब से तरह जो तजावीज़ हैं वो पेश की गई थी, फिर एट द लास्ट मोमेंट आप लोगों ने उनको जो है वापस ले लिया हुकूमत के मुतालबे पर। तो अब ये जो नैब नेक्स्ट जो बिगर चैलेंज है हुकूमत और अपोजिशन के लिए वो ये नैब ऑर्डिनेंस बिल है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या ऑन बोर्ड होगी उसी तरह से जिस तरह से हमने आर्मी एक्ट 2020 पर देखा था? देखिए जी, बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी पहली स्पीच, इनॉग्रल स्पीच में क्लियरली स्टेट किया था कि हालांकि ये सिलेक्टेड PM है और सिलेक्टेड हुकूमत है, मगर पाकिस्तान सबसे पहले और पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के फायदे में
जो भी मदद हम कर सकेंगे हुकूमत का, उसके लिए हम खड़े रहेंगे। तो ये एक बहुत जरूरी स्टेप है नैब ऑर्डिनेंस, क्योंकि इसी की वजह से डेमोक्रेसी को कई दफा डिरेल किया गया है, अपोजिशन पार्टीज को और अपोजिशन लीडरान को प्रेशराइज किया गया है और टॉर्चर किया गया है। तो इसके ऊपर बिल्कुल हम बैठेंगे हुकूमत के साथ, अगर हुकूमत हमें बाइज्जत अपने साथ बिठाना चाहे और वाकई में हमसे तजावीज ले और हमारी तजावीज के ऊपर अमल भी करे, तो हम अपने सजेशंस देंगे। और जिस तरह से विक्टिमाइजेशन हुआ जा रहा है पिछले 1.5 साल से, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में, थ्रू आउट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह से विक्टिमाइज किया गया है ऑपोजिशन पार्टीज को ऑन द बेसिस ऑफ मियर एलिगेशंस वी नैब, तो उसके ऊपर चेंजेस के लिए बिल्कुल हम मदद करेंगे गवर्नमेंट की, एंड वी होप दैट द गवर्नमेंट विल पे हीड टू आवर एडवाइस। क्योंकि अभी तक हमने देखा कि नेशनल इंटरेस्ट में तो सब साथ खड़े नजर आए, अब अवामी मफाद में कितना हुकूमत और अपोजिशन साथ होते हैं, इसका भी हमें जो है इंतजार है। अहमद अवैस साहब, जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं कि जो 9 ऑर्डिनेंसेज हैं उस पर डेडलॉक खत्म हो गया है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, इनमें से जो 9 ऑर्डिनेंसेज होंगे वो पार्लियामेंट से मंजूर करवाए जाएंगे और जो 2 ऑर्डिनेंसेज हैं वो कमेटी को भेजे जाएंगे, तो आपको लगता है कि जो नैब ऑर्डिनेंस है वो पार्लियामेंट से मेजॉरिटी से जो है आप लोग अप्रूव करवाने में कामयाब हो जाएंगे? या मेरा ख्याल है कि नैब ऑर्डिनेंस जो है ये मंजूर हो जाएगा। और दूसरी जो आपने निशानदही की है, ये अपोजिशन और हकूमत के दरमियान जो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन की फ़िज़ा जो है वो चल पड़ी है। और मैं तो बहुत पहले से हमेशा ये कहता था कि हकूमत जो है उसकी बहुत ज़्यादा एबिलिटी जब सामने आती है कि उसकी पावर ऑफ मैनोवरेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अपोजिशन के साथ हर मामले में कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, उनके साथ निगोशिएशन करनी चाहिए। वो अलग बात है कि वो एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, ये उनका रोल है, लेकिन हकूमत को ऐसे तमाम मामलात में ज़्यादा मैग्नानिमिटी दिखाने की ज़रूरत होती है और दिखानी चाहिए, तभी हकूमत जो है वो अच्छे तरीके से चलती है। उसकी वजह यह है कि ये एहसास अपोजिशन को भी दिलवाना चाहिए और हकूमत के जो अहल हकूमत हैं उनके दरमियान दिलों में भी ये एहसास होना चाहिए कि वो सर्व करने के लिए आए हैं पाकिस्तान में, बिलखसूस जहाँ के 45% से ज़्यादा लोग जो हैं बिलो पावर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ पे मुतहमिल नहीं हो सकते कि हम एक दूसरे से स्कोर विनिंग पोजीशन का मुजाहरा करें बैठ के पार्लियामेंट के अंदर, और उनके मामलात और उनकी मुसीबतें और मसाइब और उनकी तकलीफ़ें जो हैं वो अपनी जगह उसी तरह रहें। मिल के कोशिश करनी चाहिए कि एक एक शख्स के लिए कि जो लेकिन फिर अहमद अवैस साहब, जो एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है इन नैब अमेंडमेंट्स को लेकर या नैब ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट को लेकर के हुकूमत जो है ऑब्वियसली इस नैब ऑर्डिनेंस बिल के बाद हुकूमती वुजरा को भी और अपोजिशन को भी रिलीफ मिलेगा, तो क्या ये समझा जा सकता है कि हुकूमत ने जो अपने एहतसाब का नारा लगाया था, आप एहतसाब का नारा लगा कर आए थे हुकूमत में, अब उससे आप पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, एहतसाब के नारे से पीछे नहीं हट रहे हैं बिल्कुल भी। बात यह है कि देखिए, सिर्फ एक नारे की हद तक तो उसको हमेशा एक परपेचुअली उस बात को लेकर नहीं चलना है, आपने स्टेप फॉरवर्ड लेना है, फिर आपने लीप फॉरवर्ड लेनी है टू अ डायरेक्शन के जहाँ से सोसाइटी में तब्दीली आए मस्बत अंदाज की। तो उसके लिए ये अपनी जगह पे है, वो अदारे अपनी जगह काम कर रहे हैं, वो हुकूमत का जो बुनियादी जो उसके जो फरीजा है उसको पूरा करने के लिए पॉजिटिवली पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज का और एक प्रोसेस होना चाहिए, इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है। और तमाम उन महकमों के साथ साथ मिलाकर तमाम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, राहिला खादिम हुसैन साहिबा, नादबोल साहब और राना शफीकुर रहमान साहब हमें ज्वाइन करने का। नाजिन, चलते चलते आपको बताते चलें, जो यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट है उसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी स्टेटमेंट आने के बाद जो इस रीजन में कशीदगी थी उसमें कमी देखने में आ रही है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से जो सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिखा गया है उसे बड़ा क्लियर कहा गया है कि अमेरिका बगैर किसी विदाउट एनी प्री कंडीशंस के साथ जो है ईरान से अमन मुजाकरात करने के लिए तैयार है और मुजाकरात का मकसद आलमी अमन को मजीद खराब होने से रोकना है। अब सवालात यहां पर ये उठाए जा रहे हैं कि क्या इस ये जो क्राइसिस मिडल ईस्ट में डेवलप हुआ था या यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, क्या इस कशीदगी में कमी की वजह ईरान का जारहाना रवैया रहा है, जो उन्होंने कहा था कि हार्श रिवेंज लिया जाएगा और इसको देखते हुए अमेरिका जो है वो पीछे हटने पर मजबूर हुआ है? और हमारे वजीर आजम ने आज भी दोबारा इस बात को बड़ा क्लियरली वाजे तौर पर कहा कि
पाकिस्तान किसी की जंग में शरीक नहीं होगा, बल्कि उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि पूरी कोशिश करेंगे कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दोस्ती करवाएं। आई होप कि ऐसा होता हुआ हमें नजर आए। आज के लिए इतना ही। सी ऑल टुमारो नाइट। अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।